अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सर जिसने मुझे छोड़ा है, क्या सर जिसने मुझे मतलब छोड़ कर जाना चाहता है या फिर जिस इंसान ने मुझे छोड़ा है, क्या उस इंसान को हम वापस पा सकते हैं? क्या वो इंसान हमारे लिए वैसे तड़प सकता है? क्या वो इंसान हमारे लिए वैसे तड़पेगा जिसने हमें छोड़ा है? हम जिस तरीके से उससे प्यार करते थे, जिस तरीके से हम उसकी केयर करते थे, जो भी हम उसको दे रहे थे, क्या वो वापस हमें देगा? क्या हमारे पास आना जरूरी समझेगा? उसका माइंड सेट चेंज हो सकता है, या फिर उसका माइंड सेट चेंज होगा तो कैसे होगा? और बहुत सारे लोगों ने ये तक पूछा है कि सर साइकोलॉजी से क्या हम किसी का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं? साइकोलॉजी से हम किसी से सच्चा प्यार पा सकते हैं? साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें कि उस जो इंसान हमें छोड़ कर गया है वो सच्ची में हमारे पास वापस आएगा, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मतलब जो इंसान हमें छोड़ कर गया है वो इंसान वापस आ सकता है साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो? मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, डेफिनेटली उस इंसान को आप वापस ला सकते हैं, लेकिन आपको साइकोलॉजी में काफ़ी टफ कंडीशन होती है, उनको फॉलो करना होगा। साइकोलॉजी जो भी बताती है अगर आप उसको सही से फॉलो कर देना तो उस इंसान को नहीं, आप किसी भी इंसान को वापस ला सकते हो। तो आपको मैं साइकोलॉजी के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं स्किप करके, तो उनसे लगता है वो उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। नहीं, आपको वीडियो को पूरा देखना, उसमें जो मैंने एग्जांपल दे उनको समझना है। पूरी वीडियो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बिगड़ेंगे, और क्या होगा, 10 मिनट की वीडियो देख लो, ठीक है? तो आपका जो माइंडसेट है आप चेंज कर दो, और सामने वाला भी चेंज कर दो, और सामने वाला आपका सामना झक मार के आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और सही से अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी रिप्लाई वहाँ पर डेफिनेटली आपको देता हूँ। अगर आप कॉल पर हो सके तो कॉल पर बात कर लेते हो, या फिर आपको मैसेज में रिप्लाई दे देता हूँ, या फिर आपको वीडियो बनाकर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई इंसान आपको छोड़ता है तो उसका एक माइंडसेट होता है कि इस इंसान को अगर मैं छोड़ गया तो इंसान मेरे लिए रोता रहेगा पूरी जिंदगी, उसका एक माइंडसेट होता है। और इस माइंडसेट की वजह से वो इंसान आपको छोड़ता है, क्योंकि वो इंसान आपको ग्रांटेड लेता है, क्योंकि आप उसके लिए इतना पॉजिटिव होते हो, आप उसके लिए इतना अवेलेबल रहते हो, आपके वैल्यू नहीं करता, उसको पता है कि इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, और इसलिए वो इंसान आपको छोड़ता है। उसको पता है मेरे पास आएगा कहीं नहीं जाएगा, रोएगा भीख मांगेगा, ये सारी चीज़ें उसको पता होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंसान आपको छोड़ता है। और आपको क्या करना है, उसके माइंडसेट को चेंज करना है। साइकोलॉजी यही कहती है कि जब भी आपको कोई छोड़ता है तो आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने भीख मांगना नहीं है, जो उसका माइंडसेट है उसको पूरी तरीके से बदल देना है, जो चाहता है उसको पूरी तरीके से बदल देना। आप कैसे बदल सकते हो? बदलने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होगी, आपको सिर्फ एक चीज़ ये फॉलो करना होगा कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो आपको हैप्पीनेस फील शो करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गलती ये होती है यहाँ पे कि जो लोग बहुत सारे लोग होते हैं ना, गलती ये होती है लोगों से कि हैप्पीनेस फील शो करते ना तो सामने वालों को पता चल जाता है कि ये हैप्पीनेस फील शो कर रहा है, मतलब ये मुझे हैप्पी फील शो कर रहा है ताकि मैं जरूर, ये चीज़ उसको पता चल जाती है। अगर मान लो ये चीज़ उसको पता चल गई तो फिर कभी आपका जो साइकोलॉजी आप करना चाहते हैं, जो उसको वापस पाना चाहते हो, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया ना, तो आपको क्या करना है, हैप्पीनेस फील शो करना है, लेकिन उसको दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आप यूनिवर्स को मैसेज दे सकते हैं, मैं सच्ची में खुश हूँ, उसको मैसेज नहीं देना, यूनिवर्स को मैसेज देना है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा वैसे तरीके से, ठीक है? तो आप सही सच्ची में अंदर से खुश रहोगे ना। और एक चीज़, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जब भी ब्रेकअप होता है थर्ड पर्सन से उसके बारे में पूछना, क्या करता है, क्या कर रहा है, उसका लास्ट सीन क्या था, या फिर ऑनलाइन कितनी देर था, या फिर उसका स्टेटस कैसे, ये सारी चीज़ें आप पूछते हो थर्ड पर्सन से। और इससे क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, उसको पता है कि मेरे बारे में इससे पूछेगा तो उसको ये सारी चीज़ें वो सामने वाला तो डेफिनेटली बताएगा, या फिर उसको पूछ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में अभी सोच रही है, या फिर ये मेरे बारे में अभी सोच रहा है। आपको एक चीज़ में क्लियर कर दूँ, जब भी ब्रेकअप होता है, जब कोई आपको छोड़ के जाता है ना, तो आपको पूरी तरीके से चेंज हो जाना। चेंज मतलब मैंने हर एक वीडियो में बताया कि नो रिएक्शन इट इज़ द बेस्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन आप नहीं दोगे वही सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। तो आपको जब भी कोई छोड़ के जाता है तो उसका माइंड सेट जो है ना रोएगा गिड़गिड़ाएगा, तो आपको उसका माइंड सेट चेंज करना है, रोना नहीं, बिल्कुल भी आपको रिएक्शन देना नहीं, ज़्यादा जाने दो। गलती आपकी, सॉरी बोलो, अगर नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है, जो ज़्यादा जाने। अरे यार मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में कही जाती है, अगर आप ये सारी चीज़ें वर्क करेंगे ना, बहुत सारे लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जो इंसान इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी भी अपने पार्टनर को वापस नहीं पा सकता, और कोई रिलेशनशिप में सही से नहीं रह सकता। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, अपने इमोशंस को दबा के रखो। मानता हूँ प्यार है, मानता हूँ आप उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आप चाहते हो कि वो भी आपके बिना ना रहे, तो इसके लिए आपको इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आज इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी उसके लिए रोते रहोगे। तो प्लीज़ इमोशंस को कंट्रोल करो, उसके लिए किसी से पूछना नहीं,
तो इससे क्या होगा, मान लो आपने किसी से पूछा नहीं, आपने हैप्पीनेस फील शो किया, उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं ब्लॉक हूँ तो मैं हैप्पीनेस फील कैसे शो करूँ। देखिए उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो अभी मैं इस पर बात करता हूँ, अगर आप अनब्लॉक है तो हैप्पीनेस फील शो करनी, साथ ही साथ आपको किसी से पूछना है तो इससे क्या होगा कि अगर वो आपका जो पार्टनर उस पर्सन से पूछेगा, थर्ड पर्सन से, क्या उसे मेरे बारे में पूछा था, क्या उसे मेरे बारे में पूछा था, सब क्या देंगे आंसर, नहीं उसे तो पूछा नहीं, राइट। तो आप क्या करेंगे, जब आप किसी से नहीं पूछोगे तो उसके माइंड में क्वेश्चन जाएगा, यार इसने इससे नहीं पूछा, यार इसने इससे नहीं पूछा, ये तो इसके बेस्ट फ्रेंड है या फिर ये तो इसका बेस्ट फ्रेंड है, इससे भी नहीं पूछा, मतलब वो इंसान मुझे भूल तो नहीं गया ना, तो उसके अंदर एक डर आ जाएगा। कोई भी इंसान अगर उसको पता चल जाता है कि वो इंसान मुझे भूल चुका है तो इंसान आपके पास झक मार के आता है, भले वो आपके साथ नहीं रहना चाहता लेकिन वो झक मार के आएगा, क्योंकि इंसान का जो साइकोलॉजी माइंड होता है ना, यही होता है कि मुझे कोई भूले ना, वो मेरे लिए जिंदगी भर रोते रहे, और आपको उसका माइंड सेट चेंज कर देना, आपको खुशी फील शो करना, ऐसा दिखाना कि नहीं तेरे बिना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, या फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तेरे बिना मैं खुश हूँ। अगर आप ये दिखाना सीख गए तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि वो इंसान आपके पास झक मार के आएगा, ठीक है। तो ये होती है साइकोलॉजी, ये होता है माइंड सेट सामने वाले का चेंज करने का एक तरीका, माइंड सेट चेंज करने का तरीका यही होता है, आपको नो रिएक्शन दिखाना है, कोई रिएक्शन नहीं दिखाना है। साथ ही साथ आपने अभी तक मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं व्लॉग चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों माइंड सेट चेंज करने के लिए आपको खुद का माइंड सेट चेंज करना होगा, मतलब आप किसी का माइंड सेट चेंज करना चाहते तो आपको पहले आपका माइंड सेट चेंज करना, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है ना उसने छोड़ दिया, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा यार, अगर जो आपका वो आपको कभी छोड़ कर जाता है ना, जो छोड़ कर जा रहा है वो कभी आपका होता नहीं, ये माइंड सेट रखो और बाहर में जाइए सर, ऐसा करके आपको सच्ची में, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना वही इंसान को दीवाना करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं ये कहीं नहीं जाएगा मेरे पास आएगा, ऐसा ही सर जैसे उसके अंदर ना कि ये कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ कर, वैसे आपके अंदर भी होना चाहिए, नहीं ये तो कहीं नहीं जाएगा बाहर में जाए, मेरे को अपने स्पीड शो करना है 10 से 15 दिन तक, मैं ऐसे करूँगा अपने आप आ जाएगा, ये पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होती है और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, इसी एटीट्यूड के बेस पर इंसान आपके पास आता है और आपका दीवाना होता है। तो आपको जो मैंने गलतियाँ बताई गलतियाँ नहीं करनी, रोना धोना बाबू सोना मोना नहीं करना, और प्लीज़ आपको जो मैंने सारी चीज़ें की वो फॉलो करो, सही से फॉलो करो, 10 से 15 दिन फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।